मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा में नशे की लत में पड़े युवाओं को नशे की लत से निजात करने के उद्देश्य से सूचना के आधार पर खाचरोद के एक मेडिकल स्टोर की जांच की गई। बता दें, उक्त मेडिकल स्टोर पर पशुओं के लिए उपयोग होने वाले एवल इंजेक्शन संधारित पाए गए, जिनकी खरीदी एवं बिक्री बिलों की जाँच की गई। बता दें कि खरीदी बिक्री एवं स्टॉक में अनियमितताएं पाई गई हैं। एवल इंजेक्शन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के शेड्यूल जी के अंतर्गत आता है, जिसे मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में ही दिया जाना होता है। उपरोक्त मेडिकल स्टोर को प्रदत्त अत्यधिक लाइसेंस से संबंधित अनियमितताएं पाई गई हैं। प्रथम दृष्टया जांच हेतु उक्त मेडिकल स्टोर को सील किया गया है। नोटिस जारी कर आगामी कार्यवाही की जाएगी, जिसमें औषधि लाइसेंस सस्पेंड भी किए जाएंगे। शुभम नाम का लड़के का नाम आया था, उसको बुलवाया गया थाना प्रभारी के द्वारा आज, और उससे बातचीत की गई, बयान लिए गए। उसके बयानों में क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें इंजेक्शन लगाते हुए ये भी वहाँ पर खड़ा हुआ था, तो पूछा तो उसके द्वारा बताया गया कि वो खाचरोद से मेडिकल स्टोर से वो लेके आता है एविल के इंजेक्शन, और उसको लगा करके वहाँ पे लड़कों को, एक दो लड़कों को जो उसने नाम बताया, वो शशांक है, अभिषेक है और एक लड़का और है, ऐसा करके इन लोगों के साथ में इसने वो इंजेक्शन उपलब्ध कराए थे। प्रथम दृष्टया इनके द्वारा फिर मुझे बताया गया, तो मैंने ड्रग इंस्पेक्टर उज्जैन से बात करी, और धर्मवीर सिंह कुशवाजी हैं, उनको मैंने बताया, क्योंकि मेडिकल स्टोर की भी जांच करनी थी, तो ये फीडबैक मिला है हमको, तो उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ। इसके उपरांत वो आए यहाँ पे बिरला ग्राम थाने में, और एक टीम, उन्होंने भी उनसे पूछताछ करी लड़के से, और संतुष्ट होने के बाद एक टीम के साथ उस लड़के के साथ में उनको रवाना किया गया हिरासत में लेकर के, और वहाँ पे जा करके ड्रग इंस्पेक्टर साहब के द्वारा उस मेडिकल स्टोर में बाकायदा विधिवत जांच की गई, उसके लाइसेंस की, माल की, कितना माल आया, वो डिटेल वहाँ से कहाँ से लेता था, दवा बाजार उज्जैन से लेते थे, व्हाट्सएप पे उन्होंने क्या क्या सप्लाई करी वो भी बुलवा लिया उन्होंने, और उसमें अनियमितताएँ पाई गई, और जो एविल जो इसका इंजेक्शन पाया गया वो वहाँ पर मनुष्य का ना होकर के वेटनरी इंजेक्शन था जो एविल वहाँ पर स्टॉक में मिला, तो उसमें भी अनियमितताएं पाई गई, और स्टॉक में करके उनके द्वारा बाकायदा वहाँ पे विधिवत कार्रवाई करके, लिखा पढ़ी करके, और दुकान को सील कर दिया जाएगा, और उसमें अग्रिम जांच उनके द्वारा की जा रही है।